वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पत्थर की लकीर कार्यक्रम और इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इंटरनेट पर मशहूर एक टीचर पटना वाले खान सर। पटना वाले खान सर मुश्किल विषयों को अपने सहज और सरल अंदाज में समझाने के लिए मशहूर हैं। आज न्यूज 18 पर खान सर की कोरोना पर स्पेशल क्लास है। खान सर कोरोना के बारे में पूरी जानकारी साधारण भाषा में देंगे। वो बताएंगे कि कोरोना के लक्षणों को कैसे पहचाने, कोरोना कब शरीर के लिए घातक बन सकता है, कोरोना की जांच से लेकर कोरोना के इलाज तक पूरी बात सरल भाषा में समझिए। तो चलिए बिना वक्त गवाए जल्दी से सवालों की शुरुआत कर लेते हैं। खान सर आपसे पहला सवाल कि हम कोरोना के लक्षणों को कैसे समझे। महामारी के दौर में हल्का सा नजला जुकाम या बुखार होने पर लोगों के हाथ पर फूल जाते हैं। ऐसे डर के माहौल में हम कैसे जाने कि हमें कोरोना हो सकता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि अभी मौसम चेंज हो रहा है, बरसात इंट्री कर रही है, तो खांसी बुखार अभी नॉर्मल हो गया है और लोग इतना डर गए हैं कोरोना को लेकर ना कि उनका इम्यून सिस्टम मतलब एक मानसिक दबाव में जी रहे हैं। तो एक इससे घबराना भी तो नहीं है ना कि मतलब एक नॉर्मल फ्लू भी हो सकता है वो। तो कई लोगों में हम देख रहे हैं कि उनको कोरोना नहीं भी है फिर भी डर जा रहे हैं वो लोग। तो खांसी बुखार तो खैर ये तो नॉर्मल भी आता है, बट सांस का फूलना, दम फूलने लगता है, सूखी खांसी हो जाना, ये ऑक्सीजन लेवल का गिरना, ये सबसे बड़ा सिम्टम्स हो जाता है। बुखार का लेवल ज़्यादा रहना, ये सिम्टम्स ज़्यादा हैं। और ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल नाप लेना कि अगर आपका 94 से अबव है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी के वक्त में। और जो नया स्ट्रेन है कोरोना का, वो सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब अगर कर रहा है तो वो ऑक्सीजन लेवल को एकदम गिरा रहा है। आप देखिए पूरे इंडिया का चेन सिस्टम जो था ऑक्सीजन सप्लाई का पूरी तरह से ध्वस्त हो गया यहाँ पर। ठीक है, और साथ ही एक और सवाल इसके साथ आता है, वो ये कि कोरोना जांच की बात होती है तो कहा जाता है कि आरटीपीसीआर टेस्ट अभी तक सबसे भरोसेमंद इसी टेस्ट को माना गया है और इसी के जरिए पता लगाया जाता है कि शरीर में कोरोना वायरस है या नहीं। खान सर ये बताइए कि आरटीपीसीआर से कैसे जांच होती है। आरटीपीसीआर एक बड़ा टफ प्रोसेस हो जाता है। समस्या ये है ना कि जो कोरोना वायरस है वो एक आरएनए वायरस है और हम लोग जो जांच करते हैं वो डीएनए की करते हैं। आरएनए जो होता है एक्चुअली वो सिंगल धागा की तरह होता है और डीएनए जो होता है वो डबल डबल धागे की तरह, इसे डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स कहते हैं। तो हमें सबसे बड़ा चैलेंज जो होता है वो आरएनए को डीएनए में बदलना होता है। तो इस प्रोसेस को हम लोग इस प्रोसेस में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। इस प्रोसेस को हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। इसमें वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है जिस वजह से जांच लेट हो जाती है। अब यहाँ पे आरटीपीसीआर में क्या होता है कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है वो आरएनए से डीएनए में लाएगा, इसके बावजूद अब वो तो डीएनए में आ गया लेकिन उसे कोरोना है या नहीं इसका तो पता नहीं चलेगा। तो उसकी साइकिल थ्रेशोल्ड चेक करना पड़ता है, कितने साइकिल घुमाएंगे इसको, कितने साइकिल में ये जाके कोरोना मिल रहा है। तो किसी को दो ही साइकिल में मिल जाता है तो उसका कोरोना ज़्यादा खतरनाक है, किसी कोरोना को ढूंढने में ज़्यादा साइकिल लगता है इसका मतलब उसमें कोरोना कम है। तो टोटल हम लोग 35 साइकिल घुमाते हैं जिसे हम लोग सीटी वैल्यू कहते हैं। तो जिसका आरटीपीसीआर का मतलब होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमेराज चेन हो गया यहाँ पे, तो जिसका सीटी वैल्यू कम है उसका मतलब है कि उसमें कोरोना ज़्यादा है। तो आरटीपीसीआर में अगर सीटी वैल्यू ज़्यादा है तो समझिए अभी कोरोना का लोड कम है, लेकिन ये सीटी वैल्यू जो है वो ये नहीं करती है कि आप मतलब सीरियस होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि कोरोना बहुत जल्दी अपनी संख्या बढ़ा लेता है। अच्छा, आपने बताया कि सीटी वैल्यू को किस तरह से उसका हवाला दिया जाता है, आखिर आरटीपीसीआर टेस्ट में सीटी वैल्यू क्या होती है, इसको आपने समझाया सरल भाषा में, और ये भी अब थोड़ा और डिटेल में बताइए कि सीटी वैल्यू के मायने होते क्या हैं। सीटी वैल्यू बताता है कि आपके ऊपर कितना कोरोना वायरस का लोड आ चुका है। सपोज कीजिए कि आप किसी कोई बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आतंकवादी घुसे हैं सब, तो हमारे जो पुलिस फोर्स या कमांडो जाएंगे तो सबसे पहले कमरे को चेक करेंगे। तो जैसे टोटल कमरे को तो कोई चेक नहीं कर सकता है ना, तो एक प्लान बना लिया जाएगा कि हर कोने से कुछ कमरे चेक कर लेना है, बीच में से कमरे चेक करना है, लॉबी सीढ़ी वगैरह को चेक कर लेना है। तो ऐसे वैज्ञानिकों ने बताया है कि जब हम लोग आरएनए से डीएनए बनाएंगे तो इसमें कितने साइकिल को हम लोग चेक करेंगे, तो टोटल हमें 35 साइकिल चेक करना है, उसी को कहते हैं साइकिल थ्रेशोल्ड। अब जैसे हम किसी कमरे में गए किसी बिल्डिंग में जिसमें आतंकवादियों को ढूंढना है, जैसे दरवाजा खोले हमें आतंकवादी मिल गया,
पहले ही दरवाजा में मिल गया तो उसे सीटी वैल्यू कहेंगे एक, किसी का पहला में नहीं मिला, दूसरा में नहीं मिला, दसवां में जाके मिला तो हम कहेंगे कि उसका सीटी वैल्यू 10 है। मतलब आतंकवादी यानी जो एनिमी है उसे ढूंढने में ज्यादा टाइम लग रहा है, मतलब दुश्मन की संख्या कम है। तो आप ऐसे अंदाजा लगाइए कि अगर किसी की सीटी वैल्यू 30 है यानी उसका दुश्मन 30वें कमरे में मिला है और हमें चेक करना था टोटल 35 कमरे ही, तो हम ये कह सकते हैं कि उसके उस वायरस का उस बॉडी में जो वायरस आया है वो उसकी संख्या फिलहाल कम है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि आगे भी कम रहेगी क्योंकि बहुत जल्दी रेप्लिकेट करके अपनी संख्या बढ़ा लेता है ये कोरोना वायरस। तो सीटी वैल्यू बेसिकली वायरस रोड को बताता है कि कितना जल्दी वायरस मिल गया। सीटी वैल्यू कम होने का मतलब बहुत जल्दी मिल गया, मतलब आपके कोरोना का लोड बहुत ज्यादा है। तो चलिए आपने सीटी वैल्यू के बारे में तो बता दिया, लेकिन जो मोटे तौर पर बात सामने आती है वो ये कि टेस्ट होने पर अगर पॉजिटिव रिजल्ट आए तो लोग घबरा जाते हैं, लेकिन ये भी देखा गया है कि बहुत से मरीज आसानी से ठीक हो जाते हैं। कोरोना पॉजिटिव होने पर हमें ये पता कैसे चलता है कि खतरा जो है वो कितना बड़ा है? सीटी वैल्यू के बाद आप खतरे को नहीं बता सकते हैं। जैसे किसी का सीटी वैल्यू 5 है तो नो डाउट ये बता सकते हैं कि नहीं भैया इसमें कोरोना भर चुका है, और किसी का सीटी वैल्यू 30 है तो हम ये कह सकते हैं कि एट अ टाइम उसके बॉडी में अभी कोरोना उतना नहीं है। लेकिन यहाँ दो समस्या है, जिसका सीटी वैल्यू 5 है उसके शरीर में पूरा कोरोना भर चुका है, लेकिन अगर इसका इम्यून सिस्टम सही होगा तो ये इस कोरोना को हरा देगा, और किसी का सीटी वैल्यू 30 है तो उसमें अभी कोरोना भरा नहीं है लेकिन अगर उसका इम्यून कमजोर होगा तो उसे कोरोना हरा देगा। तो ओवरऑल ये डिपेंड करता है कि हमारे इम्यून सिस्टम पे, और इम्यून सिस्टम के लिए एक बहुत बड़ा चीज होता है कि हमारा मनोस्थिति कैसी है। यदि हम मानसिक रूप से एकदम दृढ़ है कि नहीं हम कोरोना को हराएंगे ही हराएंगे तो हमारा इम्यून उस समय डबल काम करने लगता है, और इसलिए आप देखते होंगे ना हमारी इम्यून को बढ़ाने के लिए जैसे सेना युद्ध करने जाती थी पहले जमाने में तो नगाड़े ढोल बजते थे, ये क्या करता था, ये हमारी शक्ति को बढ़ाता था। उसी तरह हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम को बढ़ाने के लिए हमारा मनोविश्वास होना चाहिए कि हम इससे जीतेंगे। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बेड की संख्या हॉस्पिटल में इतनी कम है कि कोई मरीज बेचारा एडमिट है वो बच सकता है लेकिन वो देख रहा है कि मेरे बगल में एक डेड बॉडी पड़ी है, इसके बगल में वो बेचारा होपलेस हो जा रहा है, उसकी खुद की बीपी कम हो जा रहा है, हार्ट बीट उसकी बढ़ जा रही है, ये एक बहुत बड़ी समस्या हो गई हमारे सामने। तो आप कह रहे हैं कि होपलेस नहीं होना है, लेकिन कोरोना की जो दूसरी लहर है उसमें सबसे ज्यादा जो मुश्किलें पैदा कर रही है वो है ऑक्सीजन, जिसकी कमी बहुत ज्यादा नजर आ रही है, और खबरें यहाँ आ रही है कि मरीजों का ऑक्सीजन लेवल अचानक से गिर जाता है और खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में मरीजों को ऑक्सीमीटर रखने की सलाह दी जाती है और ये भी कहा जा रहा है कि ऑक्सीमीटर के दाम भी बहुत बढ़ गए हैं, तो ऑक्सीमीटर कितना मददगार है? ऑक्सीमीटर के लिए ये तो कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा मददगार है, आपको एट अ टाइम बता देता है कि हाँ आपका ऑक्सीजन लेवल घट रहा है, आप खुद से अरेंज कर सकते हैं या फिर कुछ प्रिकॉशन ले सकते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में जिस तरह से ऑक्सीजन का सप्लाई चेन टूटा है आप नहीं कह सकते। जैसे उत्तर प्रदेश का मोदी नगर, वहाँ से दिल्ली महज 1 घंटा था, तो मोदी नगर के ऑक्सीजन को हरियाणा पंजाब इधर भेजा गया है, जबकि पास में दिल्ली था, दिल्ली के ऑक्सीजन को उड़ीसा से लाया जा रहा है, बंगाल से लाया जा रहा है, जो 1500 किलोमीटर दूर है, तो रास्ते में ही 1500 किलोमीटर, 24 घंटा तो रास्ते में ही डिले हो जा रहा है। तो कोशिश ये करना चाहिए ऑक्सीजन चेन को जहाँ जो मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वहाँ का वहीं से दिया जाए, अब जैसे मोदी नगर वाला था तो हरियाणा यूपी दिल्ली इसको दे दीजिए यहाँ पर, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ऑक्सीजन चेन की जो सप्लाई टूटी है इस वजह से लोगों को ज़्यादा घबराहट है। अब पल्स ऑक्सीमीटर अगर किसी के पास है उसे लग रहा है कि नहीं हमारा ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे जा रहा है और ऑक्सीजन उसको 2 दिन बाद आएगा, तो फिलहाल वो ऑक्सीजन कैन आते हैं तो जिस तरह से छोटा सा होता है ऑक्सीजन केन, तो उससे उस 2-3 वो रख लेगा तो थोड़ा बहुत तो रिलीफ होगा ना। अब देखिए हर एक सिस्टम परेशान है, आखिर इतना ज्यादा क्राइसिस आ गई है तो एक पूरा इकोसिस्टम बनाना पड़ता है, यही प्रॉब्लम है। तो पल्स ऑक्सीमीटर यहां यही काम कर देता है कि आपको एक पहले से आपको प्रिपेयर होने का एक मौका दे देता है कि मेरा ऑक्सीजन लेवल नीचे गिर रहा है। ठीक है, एक और बात जो लगातार चर्चा हो रही है, जिस पर बात हो रही है, वो ये कि कोरोना के गंभीर मरीजों में 20 में 3 ही निकल रहे हैं और इस समय अस्पतालों में बेड की बेहद कमी है, और ऐसे हालात में अगर गंभीर हालात नहीं है आपके, इस तरह की क्रिटिकल कंडीशन नहीं है, तो क्या कुछ घर में इलाज किया जा सकता है? ये बहुत जरूरी है क्योंकि सबसे परफेक्ट बात यही है, हमने कई हॉस्पिटल से हम बात किए, इवन हम डॉक्टर लोग भी हमको बताएं कि बहुत सारे ऐसे मरीज हैं जिन्हें हर हाल में एडमिट करना ज़रूरी है लेकिन हॉस्पिटल में जगह नहीं है, वो बाहर बेचारे मर रहे हैं, और कुछ ऐसे मरीज हैं जो घर पे ही ठीक हो सकते हैं बट वो आईसीयू में बैठे हुए हैं, अब क्या करिएगा, यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। कोरोना में ना जो सबसे खतरनाक कोरोना है वो सेकेंड जो डबल म्यूटेंट आया है वो है,
जो प्राइमरी कोरोना था जो वुहान से आया था वो ज्यादा खतरनाक नहीं, या पोस्ट वैक्सीन कोरोना, जैसे किसी को वैक्सीन लग गया उसे फिर कोरोना हो जाता है तो किसी कीमत पे नहीं मरेगा वो। अब किसी का इम्यून एकदम खराब है तो उसकी तो कोई गारंटी नहीं लेता। री इन्फेक्टेड मरीज, कई मरीज को देख रहे हैं जिन्हें री इन्फेक्शन हुआ है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, तो ये लोग तो अपने से ठीक हो जाएंगे। 85% मरीज खुद से ठीक हो जाएंगे, बशर्ते उन्हें हिम्मत की जरूरत होनी चाहिए। एक मेरे जान पहचान में एक है, मेरा उसको कोरोना था और उसका टेस्ट जांच कराया तो रिपोर्ट मेरे पास आया, हम उसको बताए नहीं भाई तुम्हें कोरोना है, लेकिन हर वो दवा विटामिन सी, जिंक, दूध, नारियल पानी ये सारा उसको देते रहे और हमने उसको कहा कि तुम्हें डेंगू है, तो कहा सर कोई दिक्कत नहीं हम डेंगू को तो ऐसे हरा देंगे, और वो ठीक हो गया। और जब ठीक हो गया हम उसको बताएं कि हम तुमको कोरोना है, दो दिन तक उसका बीपी लो था, सर आप हमसे झूठ बोले। तो यहां एक ये मानसिकता भी हो गई है कि लोग डर जा रहे हैं बहुत, क्योंकि अगल बगल की स्थिति को देखकर, तो डरना भी नहीं है इसमें, हिम्मत से काम लेना है यहाँ पर। और घर पे ठीक हो जाते हैं इसलिए जरूरी है कि अगर आप घर होम आइसोलेशन में हैं तो याद रखिए आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर रहना चाहिए, क्योंकि पल्स ऑक्सीमीटर अगर 85 से नीचे जा रहा है तो फिर आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना पड़ेगा। और डॉक्टर अगर घर पे ऑक्सीजन प्रोवाइड करा देते हैं तो घर पे ऑक्सीजन लेने पे एक डेक्सामेथासोन जरूरी हो जाता है कि जब आप ऑक्सीजन पे हैं तो आपका फीवर लेवल को कंट्रोल करने के लिए वो डेक्सामेथासोन, वो डॉक्टर ज़्यादा अच्छे से प्रेस्क्राइब करेंगे इसको। ये बहुत बड़ा सच है जिस पर आप बोल रहे हैं कि कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर लोग बहुत होपलेस हो जाते हैं। अगर कोरोना पॉजिटिव हो भी जाए तो घर पर कुछ ऐसे तरीके बताइए जो फर्स्ट एड के तौर पर अपनाए जा सकते हैं। घर के लिए क्या है कि आपको दो चीज का इसमें ध्यान देना है। सबसे पहला आपको हमारे अगर देखेंगे तो जिंक की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए, और शुगर के मरीज में इंसुलिन कम होता है और इंसुलिन बना ही होता है जिंक से, तो अगर किसी में इंसुलिन कमी है तो नो डाउट उसमें जिंक की कमी है, तो जिंक कम नहीं होना चाहिए। तो जिंक को बढ़ाने के लिए एक नॉर्मल टैबलेट आता है, वहाँ आप जिंक का टैबलेट देखिए वहाँ पे होगा, वो नहीं हो, हाँ वो दोनों दे दीजिए एक मिनट। जैसे हमने यहाँ पर अभी जैसे प्रिकॉशन के रूप में यहाँ एक जिंक का टेबलेट है, ये विटामिन सी है, तो विटामिन सी हमें किसी भी खट्टे फल से मिल सकता है, तो यहाँ हम एक विटामिन सी का टेबलेट ले सकते हैं और ये जिंक ले सकते हैं घर पे, इसको प्रिकॉशन के लिए आराम से एक ले सकते हैं सुबह शाम, एक ये हो सकता है। और मान के चलिए जिंक नहीं मिल रहा है या विटामिन सी नहीं मिल पा रहा है, तो इस कंडीशन में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, जिंक के लिए हम लोग दूध की मात्रा बढ़ा सकते हैं, अंडा खा सकते हैं, अब कुछ शाकाहारी लोग हैं वो अंडा नहीं खाते हैं तो दूध की मात्रा बढ़ा लेनी चाहिए गर्म दूध से। और विटामिन सी के लिए खट्टे फल आंवला बेहतरीन है, सूखा आंवला खाने से बेहतर हो जाएगा वहाँ पे। और पानी की मात्रा कम नहीं होने देना है, डिहाइड्रेशन जहाँ हुआ ये जानलेवा साबित हो जाएगा, तो पानी भरपूर पीना है, योगा करना है और मानसिक रूप से एकदम प्रबल रहना है कि हम 2 से 3 दिन में हरा देंगे। देखिए कोरोना क्या है ना कि 8वें से 12वें दिन में ही मेन अटैक करता है, तो 8 से 12 दिन का जब कोरोना का ये जो टाइमिंग है इसमें व्यक्ति को एकदम दृढ़ संकल्प लेकर रखना है कि नहीं इस 4 दिन में तो हम इसको हरा के ही रहेंगे।